तो अगर आपने कोई लाइफ में अगर अचीवमेंट किया तो आप बताओ, डर के काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं, ये हमें आंखें खुलनी पड़ेगी। हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम है उसकी अगर 1000 वैकेंसी अगर निकली है तो 1000 वैकेंसी के लिए कितने लोग फॉर्म डालते होंगे? 4000 वैकेंसी के लिए 10,000 लोग अप्लाई करेंगे, ये गलत है कि सही है? 10 लाख मतलब अप्लाई करेंगे, तो मतलब ये सच्चाई है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लोग भी वो कर रहा है, कोई मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें से सिलेक्शन कितने लोगों का होने वाला है? बाकी के लोग क्या करेंगे? तैयारी करने का मतलब क्या हुआ? मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन ज्यादा है, ये समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? भाई 10 लाख लोग अगर एग्जाम फॉर्म अगर डाल रहे हैं तो सिलेक्शन सिर्फ 4000 लोगों का ही होना है, ये अपने दिमाग में बात बिल्कुल क्लियर कर लो। और ये आप क्लियर कर लो कि 4000 लोगों का जब सिलेक्शन होना है तो हम कर क्या रहे हैं? घर पे सेल्फ स्टडी भी सारे लोग कर ही रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं?